सो दिस पॉइंट द राइट साइड इज एवल मोस्ट ऑफ दैट यू स्टडीड वो अपने ए में यू डिड ऑल ऑफ द ठीक है तो ए टू के अंदर कोई खास आपने नहीं पढ़ना तो चैप्टर ट्वेंटी लिखा हुआ ना दैट्स दैट्स ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट समथिंग ये तीन जो है मेजर टॉपिक्स है फिजिकल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एस के अंदर यू हार्डली स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके अंदर आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ा था जो भी पढ़ा था वो दैट वाज ऑल जस्ट है थोड़ा सा था बस, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था रिडोक्स रिएक्शंस पढ़े थे वही कहानी पड़ी थी ठीक नथिंग न्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर जो है दैट्स इन लेवल्स तो सारा का सारा ना लेवल्स के अंदर ही पढ़ोगे और आप पढ़ोगे क्या uh, Throughout all levels in AS, you studied about redox reactions. Now, in electrochemistry, you're going to study why redox reactions happen and how can you make a redox reaction. This is acid-base salts' ki equations. You this is you equations. Redox now you would be able to uh, make your own redox reactions. अच्छा फिर इक्वेबिया जो है ना दैट्स ऑफ ए एस एक् एस में आपने के सी के पी पढ़ा था uh, तो यहाँ पे जो चीज़ आप पढ़ोगे अच्छा यहाँ पे जो चीज़ आप पढ़ोगेबियम that, uh, uh, उसमें uh, क्या क्या एप्लीकेशन होंगे उसके अंदर होगा कि आपके पास uh, पी एच होगा एसिड बेसिस सॉल्ट होंगे सॉलिबिलिटी के ऊपर आप अप्लाई करोगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ना अप्लाई करोगे ठीक है सो सो इट्स द सेम ठीक है नथिंग डिफरेंट <coughs> थोड़ी सी मतलब चीजें अप्लीकेशन में ज्यादा होंगी अच्छा फिर देन यू हैव रिएक्शन कैरेटिक्स ना रिएक्शन कैरेटिक्स भी ए एस के अंदर आपने नहीं पढ़ा था ए एस के अंदर आप यू स्टडीड बोर्डमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और बस थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया था नॉट मच ठीक है तो सारा का सारा रिएक्शन कैडेटिक्स वो आप पढ़ोगे इसी के अंदर पढ़ोगे रिएक्शन कैडेटिक्स क्या होता है अच्छा फिर आपके पास uh, आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रिमेंबर की ये पहले वाले को तो छोड़ ही दो तो ये तीन टॉपिक्स हैं अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन इग्नोर ग्रूप टू कोई सारा का सारा ग्रुप टू आप पढ़ चुके हो मोस्ट ऑफ दैट सो यू कैन प्री मच ए टू का जो ग्रुप टू है ना दैट जस्ट यू कैन कवर इट इन टेन मिनट्स अच्छा मेनली आपने क्या पढ़ना है ट्रांजिशन एलिट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारा का सारा पढ़ोगे इट्स इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक ग्रूप सेवनटीन और ग्रुप टू और इसके अंदर आप पढ़ोगे कि ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती थी पांच जो आपने उसमें पढ़े थे ओ लेवल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई डेंसिटी कलर्ड कंपाउंड्स वेरिएबल चार्जेस और एक पाँच कैटलिस्ट ठीक है गुड कैटलिस्ट तो इसके अंदर आप थोड़ा डिटेल में वही चीज़ पढ़ोगे कि वाई डू दे शो दोज प्रॉपर्टीज ठीक है और फिर आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो तो कंप्लीट ओवरलैप है ए एस ऑर्गेनिक के बगैर यू कैन डू ए टू हैव टू ए कुछ चीजें जैसे बहुत सारी चीजें जो इधर भी पड़ी हुई है सो इट्स आई मीन ऑल ओवर लापिंग ठीक है तो आप ए टू ऑर्गेनिक करोगे तो ए एस ऑर्गेनिकली एस पार्ट ऑफ एट एंड बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिकमिस्ट्री वुड रिराउंड दिस थिंग जो कि मेरे ख्याल सबने उसका स्ट्रक्चर किया था थोड़ा बहुत ये जो बेनजीन है जो रिंग है दिस वो वही है ठीक है मोस्ट ऑफ एट वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस दिस विंग है। है, this, this उसके इर्द गिर्द रिवोल्व कर रही होगी तो दैट्स ऑर्गेनिक Uh, और ऑर्गेनिक है भी वही उसी तरह की है मतलब जैसा एस ऑर्गेनिक थी रिएक्शंस होंगे याद रखने कंडीशन याद रखनी है उनको अप्लाई करना है अच्छा फिर लास्ट पॉइंट जो लास्ट टॉपिक है लॉट्स ऑफ थिंग्स एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर आपने जो पढ़ा था ना वो था मैथ uh, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप पढ़ चुके हो इसमें इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी एनालिटिकल टेक्निक्स में आप करते हैं क्या एनालिटिकल टेक्निक्स में लेट्स से यू गिवन अ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस तो आपने फिगर आउट करना है कि उसके कितने बॉन्ड्स हैं उसमें कौन से एटम्स हैं उसमें उन एटम्स का एंगल क्या है वो एटम्स आपस में कनेक्टेड किस तरह ठीक है सो लेट्स से यू गिवन अ रैंडम सैंपल ये जितने भी केमिस्ट हैं उन्होंने ये सारी पिक्चर्स के साथ बनाई है नो वन हैज एवर सीन अ बेंजीन मॉलिक्यूल अब शायद देखा होगा <coughs> लेकिन उन्होंने ये स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ एस्टिमेट किया था बाय डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स ठीक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बॉन्ड्स के बारे में बताता है कि बॉन्ड्स वाइब्रेट होते हैं सो दे आर लॉट्स ऑफ अदर टेक्निक्स व्हिच आर सिमिलर जिसमें एनएमआर आ जाता है मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिटेल में करेंगे

<laughs> तो आपको ना ये सारी टाइनी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है डिफरेंट टेक्निक से और आप फिर उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके कोलेट करके यू पुट देम टुगेदर एंड यू ट्राई टू फिगर आउट द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल सो इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल कि वो पजल किस तरह सॉल्व होगा वॉट इज द मॉलिक्यूल ठीक है सो सो दिस इज इंटरेस्टिंग बट इट्स काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड काइंड ऑफ टफ पजल सॉल्व करना हमेशा इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन टफ भी हो जाता है कभी कभार अच्छा सो आई गॉन थ्रू द सिलेबस ऑर्गेनिक सेम टू सेम ओवरलैप हो रहा होगा इन ऑर्गेनिक में सिर्फ ये पढ़ना है और फिजिकल uh, में ये तीन पढ़ना है अच्छा अब इसमें ये कि पेपर्स पेपर का भी आइडिया ही होगा कि दस वन वेरी लेंथी पेपर विच इज अ टू आर पेपर और वो जो पेपर है दैट इज अ हंड्रेड मार्क पेपर एंड ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट वेटेज है इसकी विच मींस दैट इसके ऊपर ग्रेड बहुत मैटर कर रहा है पेपर फोर इज इज गोइंग टू डोमिनेट योर ग्रेड मतलब पेपर वन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब ओवरऑल वेटेज क्या है पेपर वन से क्या फर्क पड़ता है पेपर टू ट्वेंटी थ्री परसेंट है इसलिए पेपर फोर जो है ना दैट इंप्रूव योर ग्रेड दैट कुड ऑल्सो रियली डिस्ट्रॉय योर ग्रेड सब कुछ पेपर फोर पे डिपेंड रहा है अच्छा फिर आखिर में ना अच्छा पेपर फोर इज़ लाइक पेपर टू वही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है टाइम का इतना कोई इशू नहीं है चीज़ें आती होंगी तो कर लोगे नहीं आती होंगी तो नहीं करोगे जैसा पेपर वन की तरह नहीं है कि क्वेश्चंस कभी कभार इतने ट्रिकी आ जाते हैं कि जितनी भी तैयारी होती ही नहीं है ठीक है पेपर फोर में है कि तैयारी अच्छी है तो हो जाएगा पेपर ठीक है नहीं अच्छी तो नहीं होगा सो सुबह स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये इस इस तरह पेपर वन की तरह ना ट्रिकी नहीं है Uh, इसमें होता है कि टेन क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेटली ए टू टेन क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन ऑब्वियसली ए टू टेन क्वेश्चन होंगे ना तो उनमें तो से एक क्वेश्चन लाजमी ऐसा होगा विच इज गोइंग टू गिव यू अ टफ टाइम सो इट्स गोईन टू इट्स गोईन टू तो एक आध क्वेश्चन इसमें ना ऑब्वियसली टफ होगा अच्छा एनी वेज uh, ये सारा तो सिलेबस का हमने वो गो थ्रू कर लिया हाँ पेपर फाइव नहीं बताया मैंने अच्छा पेपर फाइव एलेवन परसेंट वेटेज है ठीक है नॉट दैट मच लेकिन थर्टी मार्क्स है तो प्रैक्टिकल से भी कम है इसकी वेटेज सबसे नहीं प्रैक्टिकल जितनी है एग्जैक्टली exactly. अच्छा मार्क्स फोर्टी है इसके थर्टी है <coughs> वेटेज सेम है अच्छा सो सो so, uh, ये ए है इट सिंपली एन एटीपी इसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन होता है मैं दिखा देता हूं एक पेपर वन सेकेंड लेट मी ओपन द पेपर क्यूपी फाइव टू अच्छा इसका एक्सैक्ट पैटर्न होता है नॉट दैट डिफिकल्ट इसको ना आप अच्छा प्लस इसके लिए ना कोई आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते मतलब सॉरी प्रिपेयर नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक चीज से क्योंकि एवरी टाइम द क्वेश्चन कोड बी ऑन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग मतलब पैटर्नस का सेट होता है लेकिन जिस चीज पे क्वेश्चन आता है ना दैट्स दटस ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल और किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आएगा जो कभी आपने किया ही नहीं है कभी सोचा भी नहीं है ठीक है बट ऑल द इंफॉर्मेशन दट्स गिवन ज मोस्टली फाउंड इन द पेपर ठीक है उधर से आपको ना दिमाग लड़ाना पड़ता है अच्छा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे और वो एक्सपेरिमेंट अजीब अजीब से हो सकते हैं, ठीक है रेगमी जस्ट शो यू के हेज एन एक्सपेरिमेंट अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं किया <coughs> तो हर दफा दिमाग लड़ाना है तो आप इसके लिए ना पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते वॉट यू कैन डू एज यू कैन प्रैक्टिस लॉर्ड ऑफ पेपर फाइव ठीक है। तो लेकिन इसके लिए ना कुछ आप कर नहीं सकते मैंने आप आप practicals तो आपको पता है, knowledge आपको पता पता है, है, अप्लाई करना है तो इसकी इसकी सिर्फ पेपर प्रैक्टिस होगी क्योंकि every time the experiment is be different. तो ये नहीं है कि आप ना छह एक्सपेरिमेंट्स पढ़ जाओ तो आपको पता लगेगा कि आपको कोई कहेगा कि हाँ इन सिक्स में से ना कोई पेपर आएगा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन हमेशा किसी अजीब सी चीज पे आता है लेकिन सारी डिटेल्स एवरी थिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोवाइडेड तो आ, वो क्वेश्चन के अंदर से ना आपको ना कॉमन सेंस यूज करनी है दिमाग लड़ाना है ठीक है और उसी से फिगर आउट करना है अभी सारी उसने लेट के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है कुछ चीजें कर रहा है तो वो आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है सो यू जस्ट हैव टू फिगर आउट एवरी थिंग अप दबल योर सेल्फ बाई जस्ट लुकिंग आर्ट के भी क्या हो रहा है यहाँ पे ना कहानी क्या चल रही है so the thing is you you can't सो दिंग प्रिपेयर फॉर practice प्रैक्ट यू कैन प्रैक्टिस फॉर दिस um कैन प्रैक्टिस फॉर क्योंकि पैटर्न वही होगा एक ही जैसा होगा बस बस जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो जीप जीप होंगे अच्छा उसके बाद uh, तो ये पहला जो होता है ना दैट्स दट्स प्लानिंग पेपर प्लानिंग के अंदर है कि वो थोड़ा सा उसकी प्लानिंग के ऊपर ना कि उनका एक टारगेट होगा कि जी हम ये प्लान करें कि लेट्स से लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड में सैंड मिक्स हुई भी है और क्वेश्चन है कि हम ना सैंड का मास फिगर आउट करना चाह रहे हैं जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तो आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा हम क्या क्या कर सकते हैं ठीक है वॉट डिफरेंट थिंग्स कूड यू डू तो ये एक क्वेश्चन एक इसके ऊपर होता है और फिर जैसा ये लिखा है स्टूडेंट थॉट दैट नॉट ऑल ऑफ बीन रिड्यूस्ड तो वो बस आपसे ना प्लानिंग का पूछ रहा है भाई क्या कर सकता है स्टूडेंट ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है हैजर्ड्स yeah. क्या क्या हो सकते हैं तो दैट्स अ प्लानिंग क्वेश्चन क्वेश्चन दैट्स नंबर अच्छा फिर सेकेंड वन सेकेंड वन के अंदर द क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन मतलब मैं शो कर देता हूं कि उससे ना डेटा वगैरह एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड मेरे ख्याल से इसमें उल्टा हुआ है हाँ उसे ग्राफ भी बना के दे दिए, ठीक है सो दी बिन डन कि कैलकुलेशन करो वो डिफरेंट चीजें तो आपसे पूछ रहा है जी, ग्राफ से रीडिंग लो, फिगर आउट करो, तो ये अनालिसिस का क्वेश्चन है सो द प्लानिंग क्वेश्चन जहां पे आपसे पूछा होगा भाई अब क्या करना है अब क्या करना है ये चीज होगी तो इसका क्या करना है ठीक है तो प्लान करना एक्सपेरिमेंट सेकेंड वन इज द एक्सपेरिमेंट वुड बी द डेटा वुड बी गिवन इन टेबल फॉर्म और इन ग्राफ फॉर्म लाइक इन दिस केस और आपको <coughs> पूछा जाएगा कि एनालाइज करो डेटा कि भाई क्या चल है यहां पे और कंक्लूजन निकालो ये सारा क्लियर है बाजार क्लियर है जी जी तो ठीक है हमने कवर कर लिया ठीक है जो जो हमने ए टू के अंदर पढ़ना है पी फाइव रिमेंबर बस पी फाइव के बारे में रिमेंबर उसका कोई और हल नहीं है सिवाय प्रैक्टिस करो क्योंकि अनसीन सीन पास पेपर आएगा एक अनसीन प्रैक्टिकल आएगा जो कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा और uh, दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि भाई कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली लैब का नॉलेज चीज़ों का नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज अगर सोल्यूशन बनाना है पता होना चाहिए किस तरह बनाना है ठीक है हीट किस करना है उसके क्या है मतलब ये चीजें तो पता होनी चाहिए तो मतलब आपको लैब की चीजें पता होंगी उनको बस किसी तरह कॉमन सेंस यूज करते हुए अप्लाई करना है जो जो पूछ रहे हैं उसको आंसर करना नॉट दैट डिफिकल्ट बस प्रैक्टिस चाहिए अच्छा सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ठीक है एनर्जेटिक्स से वी स्टार्टिंग और इसके अंदर ना द फर्स्ट द वेरी फर्स्ट थिंग हम रिवाइज करेंगे क्योंकि एनर्जेटिक्स uh, वो जो एंड वाला पार्ट है ना पहले क्विकली रिवाइज करेंगे ठीक है अच्छा द क्विक रिविजन इज के यू हैव यो This stuff, this exothermic, to yoga endothermic. You've got uh, delta H and you've got activation energy TK in a quickly device Let's say you have a graph of a reaction. और यहां ना एनर्जी के है। अच्छा कोई क्विकली मुझे बता दे, दिस एक्सोथर्मिक और एनडोथर्मिकोथर्मिक ठीक है सो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक में एनर्जी डिक्रीजेस डेल्टा एच अच्छा ये डेल्टा एच आ गया एक्टिवेशन uh, एनर्जी भी पता ही होगी सारों को कि यहाँ से स्टार्ट होगा यारो और टॉप तक जाएगा दैट्स योर एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ये हो गया सो दैट्स एग्जाम का किसका साथ ही ग्राफ बना लेते थे उसका सी कौन सा था ये एक था ठीक है राइट साथ ही एंडो का वैसे बना लेते हैं जल्दी से के उसमें एनर्जी गेन होगी तो इसको स्ट्रेच कर देते हैं एंड डेल्टा एच वुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स I'll say delta. As a reaction to products. Now, could uh, you please tell me quickly why do in a reaction why is there a gain of energy at the beginning? What is happening at the start? And then, why is energy lost? Why is energy In any reaction, simple question. Why? why does every reaction gain energy at the beginning to start a reaction i um, have to provide the minimum energy to start the reaction Haan, but why do they need a minimum energy to start action to make sure the particles have enough energy to collide with successful collisions oh, i was out uh, of basically brought a board old bonds are broken initially so that's endothermic that's positive and then new bonds are formed <coughs> so that part is negative. TK. Okay? so how do with those initially the uh, strong bonds are broken and then new bonds are new bonds are formed. So, uh, isliye, have I will clearly state that ke bond breaking is endothermic, and similarly. So, you have bond formation which is exothermic. So, what is the question? If you have any reaction, let's define a definition which is the definition of bond energy. So, <coughs> what is the bond energy? It's basically the energy that is needed, it's an endothermic process. so there is need to break one mole of bonds of the same type in gaseous molecules okay you might be asked to write this definition So, this is bond energy. That's your bond energy. Energy needed to break one more bonds of the same type. Same type of bond. with different type. If you chlorine bonds, it has to be the same chlorine bonds. And it's only defined for gaseous molecules. the substance has to be gaseous. So, for example. If somebody is asking you to write the bond energy of ClCl, uski equation wo mangra hai. kya That one mole bond sthodne Cl two molecule One mole bond sthodo you get two Cl, right? And the substance they need to be gaseous. तो दैट्स योर इक्वेशन तो आपने आटम्स को नहीं देखना आपने देखना है <coughs> आपने ये देखना है कि हमने बॉन्ड्स कितने कत अच्छा सिमिलरली इफ समी इज आस्किंग यू टू राइट द इक्वेशन कि वो कौन सा रिएक्शन है इन विच और हाउ डू यू राइट द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एल एंड सी एल बॉन्ड In AlCl3, so its energy needed to break those bonds, right? So it's going to be AlCl3. Its all the bonds you you will get one Al and three Cl atoms and gashes. अच्छा बट सो दैट्स वॉज बॉन्ड एनर्जी द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन ऑफ ऑफ सेम टाइप ए एल सी एल के सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए बट इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी बॉन्ड्स डिड यू ब्रेक एक्चुअली कोई बताएगा ठीक है इधर तो क्लियरली आपने एक बॉन्ड तोड़ा था सी और सी का बॉन्ड तोड़ा था वन मोल बॉन्ड तोड़ा था यू गॉट टू सी एल राइट बट वे है यूर आग थ्री बॉन्ड्स तो दैट नॉट बाई डेफिनेशन बॉन्डर्जी ऑफ ए एल सी एल वन मोल होना चाहिए तो वन मोल किसने करोगे इसको डिवाइड बाय थ्री कर दो ठीक है सो यू जस्ट डिवाइड द होल इक्वेजन बाई थ्री तो इसको थ्री से डिवाइड करोगे इट्सू गेट कैंसल्ड आउट तो ये आपकी इक्वेजन बनेगी दिस इज दर्जी ऑफ ए एल एन सी एल I say, Sitra, if somebody is going to ask you about the bond energy of uh, CH in CH four, sir, can you explain this one upon three? Why did you do one upon three again? Because AlCl three का तो one mole one upon three क्यों किया इसे? नहीं bonds one mole This is part. अच्छा सॉरी बॉन्ड ठीक है <coughs> मतलब एटम्स जितने मर्जी हो मुझे आई डोंट केयर कि यहां पे दो सीएल एटम्स हैं बॉन्ड्स कितने तोड़े हैं बॉन्ड्स जो है वो वन मोल टूटने चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है बस सीएच की बॉन्ड एनर्जी होगी तो वो क्या होगा कि सीएच का बॉन्ड तोड़ दो ठीक है सो यू हैव सीएच4 यू ब्रेक द सीएच बॉन्ड्स तो व्हाट डू यू गेट वन कार्बन एंड यू गेट फोर हाइड्रोजन एटम्स राइट तो ये सी की बॉन्ड एनर्जी है ठीक है मतलब इसकी जो इंथालपी चेंज होगी दैट वुड बी कॉल्ड द एच बॉन्ड एनर्जी क्योंकि आप सी का बॉन्ड तोड़ रहे हो ठीक है बट हम नहीं बॉन्ड एनर्जी ओवे है वन बॉन्ड के, के लिए तो इसको डिवाइड बाई फोर कर दो तो ये फोर कट जाएगा तो ये क्लियर है कि बॉन्ड एनर्जी की इक्वेश आपको लिखने को आएंगी ठीक है यू विल बी आस्ट के बॉन्ड एनर्जी किसी सब्सटेंस की लिख दो सी एल की लिख दो तो आपने बस वन मोल बॉन्ड तोड़ने है ए एल सी एल का लिख दो इन्हें एल सी एल थ्री तो एल सी एल का वन मोल बॉन्ड तोड़ना है तो आप क्या करो कि आप एल सी एल थ्री के सारे बॉन्ड्स तोड़ दो उसमें ए एल और सी एल के बॉन्ड्स ही है ना बस वो काउंट कर लो कि कितने तोड़े आपने थ्री तोड़े तो सिंस इज डिफाइंड फॉर वन मोल तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई थ्री कर दो कि उसका जो होगा ना दैट वुड बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच का निकालना है तो सी एच फोर के बॉन्ड्स तोड़ दो सी एच की बॉन्ड एनर्जी निकल आएगी बट यू ब्रेकिंग फोर सी एच बॉन्ड्स आपने वन मोल के लिए निकालना है तो उस इक्वेशन को डिवाइड बाई फोर कर दो तो वन फोर्थ ऑफ दैट इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच मतलब इस रिएक्शन की जो इंथालफी चेंज होगी ना दैट वुड बी कॉल्ड द द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच इज इट क्लियर मेरे लायक है चलो ठीक है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम मेरा गला एकदम से जवाब दे गया तो कल करते हैं कंटिन्यू ठीक है चलो यू सर लव ओके लव यू सर टेक केयर लव यू